अपनी पत्नी के लिए, उस पत्नी के लिए पति ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। दीपा, आप दोनों की अरेंज मैरिज है फिर लव मैरिज है? जुगर बार मैंने के सुने, मेरा कई जगह सुन लिया के भाई बजा के ले रहे हैं। में तो भाई सब कहे होगा, लड़का चाहे लड़की हो, शादी हो तो अच्छा तरीका तो हुआ है। फिर ये तो लुकमा लिए आए थे, बस वही काम करती है। मतलब ये बोल देते हैं कि जो पसंद है तू ले ले। अच्छा। हाँ बस आगे मतलब डालने के बाद बतावे कि अगर सुंदर लगा है तो सही है, ना तो ठीक है। दीपी बस तू घना लुटावे प्यार बिगड़गी तो क्यों कर क्यों टेगा, रचा कर दे खर्च करोड़ गोरी रे तेरा बाल में उठेगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, टाइटल आपने पढ़ भी लिया है कि पत्नी ने अपने पति के करोड़ों रुपए खर्च करा दिए। फिलहाल साथियों, मीडिया सोशल मीडिया पर पति पत्नी की जो वीडियो है वो लगातार वायरल होने लग रही है। चाहे फेसबुक की बात करें, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो भाई, उन पति पत्नियों की जो वीडियो है सोशल मीडिया के ऊपर है लगातार वायरल होने लग रही है भाई, और काफ़ी अनोखा अंदाज है उनका बातचीत करने का भी, और पति पत्नी के बीच में जो प्रेम भावना है वो भी काफ़ी सराहनीय। आज हम मुलाकात कराएंगे फिलहाल जींद जिले का जो गांव पोखरी खेड़ी है, यहाँ पर हमारी टीम मौजूद है। अमित और दीपिका जो पति पत्नी है उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर, उनकी जो जोड़ी है लगातार वायरल होने लग रही है, उसी को लेकर के एक बार फिर हमारी टीम उन्हीं के घर पर पहुंची है, बातचीत करेंगे। और पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है और करोड़ों रुपए खर्च, भाई सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम पर अपनी पत्नी के लिए, उस पत्नी के लिए पति ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। दीपावली है भाई आज, सबसे पहले तो देशवासियों को ग्राउंड मीडिया की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं, लेकिन ऐसा पति बहुत ही कम मिलेगा कि अपनी पत्नी के लिए जो उसके सपने थे उनको पूरा कर दिया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। तो आइए हम मिलवाते हैं आपको। सबसे पहले तो अमित भाई, आपका ग्राउंड मीडिया में स्वागत। अमित भाई जी, राम राम सारे ग्राउंड मीडिया देखने वाले दर्शकों और सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से जी। तो भाई वही अमित भाई हैं जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लग रही है। ये दीपिका है, दीपिका भाभी सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम जी, सबसे पहले ग्राउंड मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों ने और दिवाली की सबने हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। अच्छा भाई, जो सुनने में आया है जो वीडियो आप सब की, जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लग रही है कि भाई आपके पति ने आपके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। हाँ किए हैं। हाँ बिल्कुल किए हैं जी, इसमें कोई शक नहीं। और गाना बड़ा ही अच्छा है, फीलिंग के साथ बनाया है, चाहे कोई किसी का करो या ना करो, लेकिन फीलिंग से बनाया जाएगी गाने की सुनकर ना भी। हाँ खर्च करोड़ जरूर करे हैं। बिल्कुल अमित भाई, सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने भाभी जी के जो सपने थे उनको आपने पूरा कर दिया। धन्यवाद। और जो सपने थे मैं पूरे इसलिए करे क्योंकि वो सपने जायज थे, नाजायज सपने इसलिए पूरे करे हैं और करने लग रहे हैं। आपसी सहमति से सारी चीज होती है, तो सारी सहमति है तो सारे काम बनने लग रहे हैं। बिल्कुल है। देखो भाई, बहुत सारी जो वीडियो है हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर पति पत्नी की वायरल होती है, लेकिन भाई पति पत्नी के बीच में जब प्रेम हो तो समाज के अंदर भी एक सकारात्मक सोच है, एक पॉजिटिव विचारधारा आती है भाई, जो इन दोनों ने जो समाज को दी है। अच्छा भाई जी, सबसे पहले तो एक बार जो दर्शकों को बता दे, एक बार जो खर्च करोड़ की जो बात है जो सोशल मीडिया पर जो वायरल होने लग रही है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? यो गाना है जो यो अनिरुद्ध तालू वाला लिख रखे है जी, तालू गांव से अपने भाई, और म्यूजिक कर रखा है इसका जी आर भाई ने जी, वीडियो करी है जीत गणगस ने, मैंने और नोनू राणा ने गाया है जी जी, और पूनम डागर जी ने और दीपिका जी ने हमने इसमें स्टारिंग की है। तो बड़ा जबरदस्त गाना है, बड़ा अच्छा वायरल होने लग रहा है, लगभग लगभग 2 मिलियन लोगों ने अपने ही चैनल पर देख लिया। सबसे बढ़िया बात यह है कि अपने चैनल पर है, ढोल एंटरटेनमेंट अपना चैनल है, आप लोग जरूर जाकर देखियो। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने पहली बार साथ में काम करा, तो यह इंटरेस्टिंग बात है, और लोग बड़ा प्यार देने लग रहे हैं हम दोनों की जोड़ी को देख के भी। तो इंटरेस्टिंग तो यह है कि हमारी जोड़ी पसंद आ रही है लोगों। तो दूसरा गाना हमारा तैयार है, अच्छा, जो कि 20 नवंबर को आ जाएगा चैनल पे, और तुम सारे जाइयो चैनल ने सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, गाना ने शेयर करियो। इसकी इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख रील होने वाली है। अच्छा, 1.5 लाख? 1.5 लाख रील। कितने दिनों के अंदर अंदर? ये पिछली 20 को रिलीज हुआ, आज का होगी देख ले, आज 12 होगी, तो 10 सारे 22 दिन हुए, 22 दिनों में 1.5 लाख रील होगी। बिल्कुल। तो ये मामला है।
देख लो भाई सोशल मीडिया के ऊपर है जो इनकी जो रील है, सबसे पहले तो मैं एक बार परिचय करा दूं भाई, हरियाणवी कलाकार अमित डूल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और आप सबको पता भी है कि ग्राउंड मीडिया का जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से ही हम रूबरू करवाते हैं। तो भाई फिलहाल सोशल मीडिया के ऊपर दोनों की यानी कि पति पत्नी का पहला ऐसा सॉन्ग है जो यानी कि फैमिली परिवार बैठ करके सॉन्ग को देख सकता है और पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है भाई वो बढ़ेगा न कि घटेगा, इन दोनों की दी वीडियो देखी जाती है। तो फिलहाल हाल फिलहाल दो तीन दिन पहले भाई करवा चौथ भी था, करवा चौथ के त्यौहार के ऊपर भाई इनकी जो रील थी इंस्टाग्राम के ऊपर इनके सॉन्ग के ऊपर करीबन करीबन 1.5 लाख रील, और जो बहने हैं वो तो सारी खुश है इस गणत है, लेकिन कुछ भाई खफा है, वो मैंने फोन कर भाई तन्ने आड़ ला दी है तन्ने यू गाना मारा नुकसान करा दिया तन्ने त्योहार पे कदे करवा चौथ पे दिवाली पे भी, आज 24,000 रील बन चुकी है अभी तक। तो ये तो जस्ट एक एंटरटेनमेंट है, सब ने पसंद आना लग रहा है वो गाना, क्योंकि गाना रिलेट कर रहा है लोगों ने, बिल्कुल बिल्कुल वो, और पति पत्नी का गाना है और एक गाना नहीं, मेरे आज तक के जितने भी गाने हैं जी सारे ही गाने ऐसे हैं, चाहे पूरा परिवार बैठ कर देख लो, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई एक तो होता है रील, एक होता है रियल, और मतलब भाई साहब ने वैसे तो करोड़ों की आपकी शॉपिंग करवा दी गाने के अंदर भी, रियल में करवाते हैं? बिल्कुल करवाइए जी, मतलब यू गाने गाने का कोने की इसमें हाँ। खर्च करोड़ कर दिए हैं ऐसा हाँ। कुछ नहीं है, जो रियल है उसमें भी करवा रखी है हाँ, गिफ्ट लेकर आए थे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल लेकर जब भी आप कहती हैं भाई नए नए जो सूट डिजाइन के या ज्वेलरी जो भी आती है, आप बोलते हैं भाई साहब को कि मेरे को ये जरूर ज्वेलरी या सूट वो खरीदने खरीदवा देते हैं? मतलब ये बोल देते हैं कि जो पसंद है तू ले ले। अच्छा। हाँ बस आगे मतलब डालने के बाद बतावे कि अगर सुंदर लगा है तो सही है, ना तो ठीक है दीपी बस इतना ही सही है। अच्छा पहली बार जैसे गाने में रोल किया है अपने ही पति के साथ में, गाने में आप दोनों ही स्टार हैं, तो कैसा लगा पहली बार काम करके? मैं मतलब पहले तो इस सॉन्ग के लिए बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी कि मेरा सपना पूरा हुआ है तो, हाँ। फिर तो बहुत बहुत गुना अच्छा लगा क्योंकि मैंने अमित सर के साथ काम कर गए इस लाइन के, उस तो मैं इन्हें सर बोलिया करूँ और अच्छा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि काम एक अलग है, शादी के बाद भी सर ही बोलती है ना, मतलब इस लाइन के उस तो सर है लेकिन घर तो अमित जी ये हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो अच्छा, इससे पहले भी आपने किसी सॉन्ग में कोई वीडियो वगैरह है आपकी कोई आपने कर रखा पहले काम? मैंने पहले कुछ भी नहीं करा। अच्छा फर्स्ट टाइम? हाँ फर्स्ट टाइम करा। आने आ गए मामला हो आयो पहले अमित भाई, वो गाना मैंने भी खुद देखा था और बहुत ही जबरदस्त, दीपिका जी भाभी जी आपने बहुत अच्छा उसमें काम कर रखा, मैंने तो ये लगा भाई ये पहले से ही कलाकार है। ना 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 जी, तो वैसे ही कॉलेज स्टूडेंट थी मान ले, शौक था इसको फिर यहाँ रील बनाने का, और फिर अपने परिवार अपना समाज घाट इजाजत दे इन चीजा ने, लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं भी करूँ यू काम, मैं भी तो गाने में कैमरा किसी का हाथ पकड़ना पड़ा है एक्ट करा जब, तो फिर महिश्ता भी मैं मना को नहीं करूँ, बस एक लॉयल्टी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसने रील पे भी इसका अकाउंट 5 लाख कितने 50,000 फॉलोअर होने वाले हैं इसके। अच्छा खुद के इसके इंस्टाग्राम हाँ। के तो बढ़िया चल रहा है मामला। देखो भाई पहले भी मैंने इंस्टाग्राम पर दीपिका भाभी की और अमित डूल भाई की कई जो रील है वो देखी है और इनके जो व्लॉग थे वो भी देखे थे मैंने भाई हाँ। इनकी जो वीडियो थी उस टाइम पर काफी वायरल होती थी, हंसी मजाक फैमिली व्लॉग इनके आते थे। अच्छा भाभी जी सभी जो दर्शक है वो जानना चाहते भाई आप दोनों की अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज है? हमारी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। अच्छा जो घर बार मन के सुने मेरा कई जगह सुन लिया के भाई बजाय के ले रहे उन में बता दू बजाया करें, क्योंकि हमारा ब्याह था कोरोना में। अच्छा। 17 अप्रैल की हमारी शादी थी, उसी दिन मेरा जन्मदिन, तो हमारी कोरोना में शादी हुई थी और हम लोग देखे छिपते सांगी पहुंचे थे, तो मैं सांगी बह रखे हूँ। हाँ तो जहाँ तक उस तू वैसे ही बातें बना रखी कई जगह सुनी मैंने के बगा के ले आया अगर भाई वैसे पता नहीं था लोगों ने तो ऐसा ये है वो फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या बात बन रही है। बिल्कुल क्योंकि भाई अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज है। कोरोना टाइम पर भाई क्योंकि उस टाइम पर बड़ा फंक्शन नहीं कर सकते थे भाई, क्योंकि न तो गांव में बड़ा फंक्शन कर सकते थे, न जो जनेत का प्रोग्राम था न वो बड़ा कर सकते थे, लेकिन जो लोगों के मन में जो संशय था वो आज उनको उनका जवाब मिल गया। मैं तो भाई 4 आदमी कहते हैं, 4 थे 5 थे बस। अच्छा और
तो मन में कहीं ना कहीं वो जो अरमान थे वो सपने थे भाभी जी अब बड़ी जिंदगी आएगी वो कुछ फील हुआ उस टाइम पर बस सन्नू के नूर आ गए सारे अच्छा था मन में तो भाई सब कहे होगा लड़का चाहे लड़की हो शादी हो तो अच्छा तरीका तो हुआ है फिर ये तो लुकमा लिए आए थे बस वही काम करती है आपकी जो सखी सहेलिया थी उन्होंने कहा नहीं कि भाई चुपके चुपके शादी कर गए ना मैंने सारी इनवाइट कर रखी थी मेरी तो आ रही थी बस तीन चार थी मैं किसी ने कुछ को नहीं बोला कि भाई आपको तो खैर हरियाणवी जो कलाकार है उन्होंने तो उलाना दिया होगा भाई खूब आज तक मिला उलाने तो अच्छा सारे देव है करा गए फिर तो वो मौका चुक गए के चलो भाई कई दर्शक कहेंगे एक बार कि अजय भाई इंट्रो तो आप करने लग रहे हो लेकिन एक बार कर दूं खर्च करोड़ जो गाने की लाइन है अमित भाई ने वो अभी तक नहीं सुनाई है हाँ। अमित भाई एक बार जो लाइन है गाने की एक बार वो आने दो सुनाता हूँ जी हो मेरे मोटे मोटे नैन पिया लक्ष्मी का सुरमा ला दूं के मेरी मोरनी सी गेटी से तेरा रानी हार घड़ा दूं के तू गणा लुटावे प्यार बिगड़गी तो क्यों कर क्यों टहगा रह चाहे कर दे खर्च करोड़ गोरी रे तेरा बल में उठेगा अरे रह चाहे कर दे खर्च करोड़ गोरी रे तेरा बल में उठेगा बिल्कुल भाई देखो या उन पतिया की भी भाई जायज समस्या है जो अमित भाई करके या बात कह है क्योंकि अमित भाई ने खुली छूट दे दी चक्कर दे खर्च करोड़ आपका बाल मोटा है क्या भाभी जी बिल्कुल तो हजारा पे दिक्कत हो जाए है भाई देखो करोड़ा का तो किसका भी होता खर्च करने का किसी का है कम हम रहनी यहाँ अरे तो 5,000 रुपया विनू हो जाए भाई देख के खर्चा करो अरे करोड़ा की बात हो ना बिल्कुल भाई बनवानी है तो खैर अपनी पत्नी के लिए भाई ताजमहल बनवा के बनवानी है तो क्या किए बनवा दे बनवानी है बेचारे क्या कुछ कुछ भी नहीं बनवा पा दे तो ये तो सबकी अपनी अपनी भगवान की दी हुई हाँ। चीज़ें हैं बाकी गाना बहुत पसंद आने लग रहा है सबने मैं सब ने यही कहूँगा कि गाना ने जाके एक बार दोबारा शेयर करो चैनल ने सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि हम लोग अब ये जस्ट एक हमारा चैनल नहीं है ये एक कंपनी है डुल एंटरटेनमेंट तो इसकी मालिक भी आपके पास में बैठी है तो भाई इसमें हम और भी गाने करेंगे सभी आर्टिस्टों के गाने करेंगे और के भी जो नए नए आएंगे या पुराने हैं अभी शुरुआत है हम इसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे डुल एंटरटेनमेंट भक्ति चैनल भी है डुल एंटरटेनमेंट देसी रागनी चैनल भी है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और कई चैनल ऐसे ऐसे बनाने लग रहे हैं चलो भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं और देखो भाई एंटरटेनमेंट के तौर पे जो भाई ने जो सॉन्ग किया है भाभी जी के साथ मिल करके जी काफी जो प्यार है जनता वो देने लग रही है और आप सब भी डूल एंटरटेनमेंट के ऊपर जाकर के वो जो सॉन्ग है वो सुने और जो भाई भाई और भाभी का जो चैनल है क्योंकि मालिक तो भाभी है भाई भाभी का जो चैनल है आप भी एक बार भाभी जी बता दो एक बार मुझे डूल एंटरटेनमेंट अपना चैनल है जिसपे मेरी और अमित सर का जो पहला सॉन्ग आया है उस आप लोगों ने बहुत सपोर्ट कराया बहुत प्यार दिया है तो सारे चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो क्योंकि ये चीज़ अब कंटिन्यू होती जा रही है अपने इब तो वो बात है छोटा ही ट्रेलर है तो इब धमाका तो बाकी है देखो कदों होगा तो न्यू सपोर्ट करते रहोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा नहीं तो आप लोगों ने भी सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने तीनों चारों जितने भी चैनल है डूल एंटरटेनमेंट भक्ति है या फिर डूल एंटरटेनमेंट देसी रागनी है और अपना जो ये सॉन्ग का चैनल तो सारे ना आप सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल भाभी जी कैसा आपको लगा पहला ही सॉन्ग आपने किया और पहला ही सॉन्ग लगातार पूरे हरियाणा पूरे देश में लगातार वायरल होने लग रहा है ये खुशी है क्योंकि भाई जब पहली बार काम करते हो उसका जो रिजल्ट पॉजिटिव यदि मिलता है तो खुशी डबल हो जाती है मतलब मेरी तो ट्रिपल हो रही है डबल तो भी ट्रिपल है बहुत बहुत खुश हूँ मैं तो इस चीज से अमित भाई एक जो सॉन्ग था आपका एक लाइन हम चाहेंगे एक बार जो जींदाड़ा जो सॉन्ग हाँ। था वो एक बार उसकी लाइन क्योंकि वो काफी गुनगुनाई जाती है वो लाइन बहुत वायरल गाना था वो भी जी हो फसी खांगी लिया दे जोड़ा काट दा नी टाइम थोड़ा बिना बात रवे छोड़ा जींदे वाले तुम किते भी घुमंदा कोन्या पीछा मैं के गंदा कोन्या कि मैं भी तो लंदा कोन्या जींदे वाले तू हो जींदे वाले तू बिल्कुल ये था अपना गाना जींदाला और सच था ये हमारी ये बात थी अच्छा अरमान तू दिखावे था के लंबे होंगे रूट तेरे जींदे वाली गाला में ये तोड़ दिए बूट मेरे गाड़ी भी सिखांदा कोन्या बड़ा पिज़्ज़ा ल्यांदा कोन्या गाने भी सुनांदा कोन्या जींदे वाले तू बिल्कुल ये सच्चाई की भाभी जी अमित भाई बोलने लग रहे इसमें 90% सच्चाई है शादी के बाद मतलब ऐसे ही बातचीत होगी थी
बस ये बताते थे 90% सच है, बस यू 10% मसाला इसमें। हाँ, वो मसाला इसमें यू की जो दारू वाली लाइन है इसमें रोज चला। हाँ। दारू खा रहे। हाँ। वागला तो बाकी सच्चाई है। अच्छा चलो अभी। हाँ। तो खराब सबर साथ में काम करने लगे, अब तो और खुश है भाई। जो भी प्रोजेक्ट है भाई साहब कह रहे हैं भाई, इसमें कई प्रोजेक्ट है आपके साथ है, करेंगे अभी चैनल के ऊपर। देखो भी वो आगे टाइम बताओगे। ये पेमेंट दोगे तो फिर करेंगे चैनल ने कहा हम पेमेंट लेंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया लगे। अच्छा भाभी जी कई जने नु कहा करे भाई शादी का लड्डू खाओ पछतावा है ना खाओ पछतावा, आपको कैसा लगा अमित भाई के साथ शादी का? मैं तो को पछताने रही जी। अच्छा। हां जो होंगे बहुत सारे जो पछताते होंगे, लेकिन मेरे तो कोई पछतावा नहीं है इस बात का कि भाई लड्डू खाया पछतावा ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे तो सारे सपने पूरे होने लग रहे हैं, तो मैं क्यों पछताऊंगी। चलो अच्छा अमित भाई नेक्स्ट क्या कुछ प्रोजेक्ट है वो आप लेकर के आने वाले? नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक तो अपने चैनल पे हर महीने दो प्रोजेक्ट आएंगे लगातार, भगवान कृपा बनाए रखे, दुर्गा माँ और भजन भी आएंगे। एक हमारा 30 या 1 तारीख के आसपास शिकारी म्यूजिक पे गाना आएगा, वो भी बहुत अच्छा गाना है, चुन्नी नाम से गाना, बहुत बढ़िया गाना है वो भी। और अगले महीने फिर 2 गाने अपने चैनल पे, ऐसे जनवरी में 2 गाने। तो ये चाहिए हम ये सीरीज बनी रहे, और कुछ और कंपनी है दक्ष म्यूजिक में आएंगे, टी सीरीज में आएंगे, बहुत सारे गाने आने हैं अब जो सारे प्रोजेक्ट रेडी हैं। और हमारी वेब सीरीज भी लगभग 95% रेडी हो चुकी है, जो बहुत बड़ा हमें भगवान ने चाहा तो मकाम देगी। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त वेब सीरीज है वो, पूरी मोहन बेताब जी और विक्रम मलिक भाई है उसमें, उन्होंने मोहन बेताब ने डायरेक्ट की है और मैं और विक्रम मलिक भाई उसमें लीड रोल में। बहुत बढ़िया। अच्छा भाभी जी जिस टाइम पर है जैसे आप दोनों ने जैसे सॉन्ग किया वीडियो में आप आए, तो आपके जो परिवार वाले हैं आपके माता पिता है या फिर यहाँ से आपके सास ससुर है, इनकी क्या प्रतिक्रिया थी भाई आपने सॉन्ग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? विरोध हुआ है फिर समर्थन कर दिया कि हाँ आप आ जाओ? समर्थन किया था, विरोध किसी ने नहीं किया। पापा ने यूँ था कि बालक कुछ करे हैं तो मैं ठीक करेंगे, क्योंकि अमित जी पर मैंने विश्वास है कि मैं करेंगे तो मेरे भले के लिए करेंगे मैं। तो अमित जी ने पूछी थी पापा तो माता सारे खुश होंगे, मेरे तो ये सरप्राइज दिया गया था कि दीपी तेरी लिप सिंग होगी, तो मैं इस चीज तो बहुत गुणी खुश होगी। ये तो बताया क्या है भाई, ये रील तो बना हुआ है ना, रील में बस वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेनली क्या बात होती है कि गाना में भाई बकवास ना हो, वो वर्गल ना हो, ठीक है, गंदगी ना हो गाना में, ऐसा कोई घटिया सीन ना हो जो हमारा परिवार बैठ के देख सके। अच्छे गाने तो कोई कर लो, और जब काम में यू करने लगे तो फिर क्या दिक्कत है। बिल्कुल। तो मैंने तो कुछ गलत लग गया नहीं समझ, कहने वाले पता नहीं क्या क्या कंधे होंगे और उनकी परवाह कराएंगे तो सांझ करो टीम को नुभावें। ठीक है, देखें सारे हैं। चलो भाई आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाभी जी आपने सोचा था कि ग्राउंड मीडिया पे भी आपका इंटरव्यू आएगा कभी? यू भी आज मेरे लिए सरप्राइज था, इसका भी नहीं पता था मैंने। तो ई में जो आज दिवाली की उस पर थोड़ा सा बाहर जा रहे थे, तो आते आते बताया कि दीपी इंटरव्यू वाले आवे हैं और बस तू तैयार रखियो सबकी। मैं तो इस चीज़ तभी मैं बहुत घनी खुश हुई कि मैं अपना दूसरा इंटरव्यू है ये, और मतलब पीछे तो कदम ना गया है जैमें कहूँ। बहुत बहुत घना थैंक यू इनका कि मतलब ये सब कुछ सही लाइन पर सरप्राइज का सरप्राइज देने लग रहे हैं बस। अच्छा। हाँ बिल्कुल जी, पहला हमारा खुशी है भाई। देखो परिवार में भाई खुशियाँ जरूरी है, और मैं जो उद्देश्य है भाई दोनों का कि पति पत्नी के बीच में प्रेम होना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत सारे आज परिवार है, बहुत सारे पति पत्नियों के बीच में रिश्ते टूटने लग रहे हैं। और भाई एक पॉजिटिव संदेश है भाई अमित भाई की तरफ से, दीपिका भाभी की तरफ से, कि देखो भाई रुपया सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल, मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ भाई पति पत्नी की जिम्मेदारी दोनों का नैतिक फर्ज ये बनता है कि भाई वो एक दूसरे के साथ में दुख सुख में एक दूसरे का साथ निभाए। पत्नी जब ये पति जब अपनी पत्नी को अर्धांग नहीं मानता है, और पत्नी का भी नैतिक फर्ज बनता है कि भले उसकी आर्थिक स्थिति चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो चाहे मध्यम हो, उसको फर्ज बनता है उसका कि उसका साथ निभाए, तभी जाकर के भी पति पत्नी का रिश्ता है वो लंबा चलता है, और तब जाकर के एक आयाम स्थापित होता है। अमित भाई कुछ बात आपके बीच में रह गई थी। तो मेरा भी याद उनकी बात थी। मैं तेरा नहीं बात में पड़ गया था पति पत्नी वाला मामला। अंत में दीपावली का त्यौहार भी और आपके सॉन्ग को लेकर के ग्राउंड मीडिया के जो लाखों की संख्या में दर्शक हैं, क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगे? मैं यही संदेश दूंगा कि दीपावली का त्यौहार अच्छे से मनाएं, और आज के दिन जो जो आपको लगता है कि अपने अंदर कमी है उन सारिया ने त्यागो, उन तो दूर ना भागो ना त्यागो। ठीक है, और सारी चीजें बढ़िया से चैनला ने सब्सक्राइब कर लो, ग्राउंड मीडिया ने भी, और अजय भाई और उनकी धर्म पत्नी भी
व्लॉग चैनल है उनका, तो वो भी व्लॉग बना, उसने भी क्या नाम है अजय, रितु एंड अजय, तो इस चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, ग्राउंड मीडिया ने सब्सक्राइब करो, और जो वीडियो यहाँ बना हुए हैं इनकी भी सामाजिक वीडियो होती है बड़ी अच्छी, उन भी आप देखा करो, वो लोग देखा करो। इन ने इंस्टाग्राम भी स्टार्ट कर लिया है, उस इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो सारे जने, और हमारे वाला चैनल भी सारे सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को सपोर्ट कराया करो, भगवान का नाम लिया करो, काचे घटा करो सारे। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, दीपिका और अमित डूल भाई की जो जोड़ी है भाई, इनका जो सॉन्ग है डूल एंटरटेनमेंट के ऊपर है, कर दूं खर्च करोड़ जो सॉन्ग है, उसी सॉन्ग की जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर है लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में देखी जाने लग रही है, 1.5 करोड़ तो लगभग रील इंस्टाग्राम के ऊपर बन चुकी है, चाहे वो फेसबुक की बात करे या इंस्टाग्राम की बात करे, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ये सॉन्ग लगातार चलने लग रहा है। और साथियों जो दोनों के जो भाई पति पत्नी है भाई, इनकी जो प्रेम भावना, इनके जो विचार है वो आपने कैसे ले गया, क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन पे रिएक्शन आप जरूर दें, और यदि आपको प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ग्राउंड मीडिया चैनल के ऊपर यदि आप अभी नए आए हैं तो ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए, ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोक इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।